चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम कक्षा दसवीं में स्पर्श पाठ्य पुस्तक के लीलाधर मंडलोई जीवन परिचय लेखक लीलाधर मंडलोई का जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हमने व्याकरण से संबंधित कई वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें झरूखा चैनल पर खोज सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं जीवन परिचय। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सन 1954 में हुआ। उन्होंने भारत में ही बीए बीएड अंग्रेजी भाषा में, पत्रकारिता में स्नातक और एमए हिंदी भाषा में किया और इसके बाद वे लंदन चले गए, जहां से प्रसारण में उन्होंने उच्च शिक्षा CRT ग्रहण की। 1982 में उन्हें कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट की ओर से लंदन आमंत्रित किया गया। वे प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक पद पर भी आसीन रहे। बाद में वे भारतीय ज्ञानपीठ जैसी प्रतिष्ठित संस्था के डायरेक्टर और नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक भी हुए और उनके संपादन में नया ज्ञानोदय पत्रिका ने अपने नए आयामों को छुआ। वे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समितियों के साथ ही प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। रचनाएं मुख्य रूप से मंडलोई जी कविता के रचनाएं करते रहे हैं, उन्होंने गद्य भी लिखा है और बहुत प्यारा गद्य लिखा है। मैं उनके कविता संग्रहों के शीर्षक आपको बता रहा हूं, घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अदेखा, काला पानी, ये बदमस्ती तो होगी, देखा पहली दफा अदेखा, उपस्थित है समुद्र। और गद्य साहित्य जो उनका है उसके शीर्षक है अंडमान निकोबार की लोक कथाएं, पहाड़ और परी का सपना, चांद का धब्बा, पेड़ भी चलते हैं और बुंदेली लोक रागनी। लीलाधर मंडलोई जी को बहुत सारे सम्मान और पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उन्हें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के रामविलास शर्मा सम्मान से पुरस्कृत किया गया, वागीश्वरी सम्मान और रजा सम्मान भी उन्हें दिया गया। पुष्कित सम्मान और नागार्जुन सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया। तो यह था लीलाधर मंडलोई जी का जीवन परिचय। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।